नमस्ते सत श्री अकाल आदाब केम छो केड़ो हाल है अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आसिम जफर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है आयशा जावेद। मेरा नाम है हसन जावेद। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत होंगे। तो आज काफी अमेजिंग हमारे पास ऑफिशियल ट्रेलर है। वेल मोस्ट वेटेड जो सीजन है इंडिया में, पाकिस्तान में, मतलब एशिया पूरे में उसने धूम मचाई हुई है। नेटफ्लिक्स पे बहुत धूम मचाई थी यार। प्राइम वीडियो नेटफ्लिक्स पे नहीं है, अमेज़न ने, अमेज़न पे आया है। प्राइम वीडियो पे दोनों सीजन अमेज़न पे आए थे। निर्दोष नागरिकों की जान माल की जो हानि हुई है उसके लिए हमारा हृदय कोरोना से भर आया है। कोरोना नहीं मामा जी, करुणा, करुणा। मत बोल सड़के। चलो रे, मैक्सिको निकलना है। अबे मिर्जापुर बे, यही मौका है लोगों को बताने का। कालीन भैया गांव और गुड्डू पंडित ऑन। मिर्जापुर में पावर हमेशा गद्दी की रही और मुकाबला दावेदारों का। खेल आज भी वही है, बस मोहरे बदल गए। लोगों के बीच कालीन भैया के प्रति सिंपैथी जनरेट करनी है बस। महमूद प्रदेश की शुरुआत गुड्डू के अंत से होगी। ये समय वायलेंस का नहीं, कंसोलिडेशन का है। वायलेंस हमारा यूएसपी है। पूर्वांचल में जो गर्मी का हाल है, एक उंगली ट्रिगर पर रखनी पड़ती है। दूसरी उंगली कहाँ रहती है? दूसरी उंगली धोने को जाने के लिए रखी है। गुड्डू है तो गैंगस्टर ही। हमारा तो गुनाह यही है कि हम गुड्डू पंडित के बाप हैं। उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, ना तुम्हारी ना हमारी। गुड्डू पंडित को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये मैसेज पूरे पूर्वांचल में गूंजना चाहिए। हमको तुम चाहिए और तुमको गुड्डू, और गुड्डू को पूर्वांचल। अब किसी को कुछ नहीं मिलेगा। पूछ है ये परंपरा बाऊ जी ने और हमने बनाई थी। हम वो करवाएंगे जो पूर्वांचल के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। इट वॉज अमेजिंग। ट्रेलर तो बहुत ज्यादा अच्छा था यार। हमने देखा मिर्जापुर 3 का, और आई विश कि इसमें मुन्ना भाई जिंदा हो, क्योंकि मुन्ना भाई को मार दिया था इन्होंने लास्ट सीजन में। क्योंकि मुन्ना भाई पे ही बेस्ड है सारी स्टोरी। कालीन भैया तो जिंदा है, वो भी मरते मरते बचे थे। तो कैसा लगा? अच्छा था ट्रेलर, अच्छा था। कालीन भैया बहुत पसंद है इसमें ना, उनकी एक्टिंग बहुत कमाल है। हाँ, कास्ट सेम ही है, मतलब वही पहले और दो सीजन जो रही है, और कुछ चेंज भी किए उन्होंने, लेकिन कुछ न्यू भी कैरेक्टर्स उन्होंने डाले हैं, तो वो फाइनलाइज हुए हैं अभी। तो बहुत मजा आया यार। 5 जुलाई को आ रहा है और मतलब वेट नहीं हो रहा, क्योंकि पहले दो सीजन तो बहुत अमेजिंग थे और अब ये सीजन धमाकेदार जाने वाला है। मेरी सब्सक्रिप्शन खत्म हुई थी प्राइम की, मैंने न्यू ली है सिर्फ इसके लिए। मिर्जापुर 3 हो गया, कोटा फैक्ट्री हो गया और इन सबको देखने के लिए तो मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ। तो बाकी देखते हैं मिर्जापुर कैसा सीजन जाता है। तो अपने रिव्यूज आपके साथ शेयर करेंगे और आप भी लास्ट में शेयर कीजिएगा हमारे साथ 5 जुलाई के बाद। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई लाइक रिकमेंड करें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।